बैंगन की बरा कुछ लोगों के पास नहीं होगा। आप सुना है। सुना हाँ, बैंगन जी की चली बरात हुई लड्डुओं की बरसात, नाच रहा था लाल टमाटर, साथ में बैठे आलू मटर, कटहल की गाड़ी के ऊपर बैठ गए अब बैंगन राजा, मूली और अरबी ने मिलकर खूब बजाया ढम ढम बाजा। इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट लाइन मैं आपको हिंट दूंगी तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। बैंगन जी की चली बरात बोलिए, नहीं नहीं लास्ट वर्ड चली बरात बोलेंगे, ठीक है। बैंगन जी की चली बरात, चली बरात, चली बरात, हुई लड्डुओं की बरसात, हुई बरसात, हुई बरसात, किसकी बरसात हुई थी? लड्डुओं की। किसकी शादी हुई थी? बैंगन जी की। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाच रहा था लाल टमाटर, लाल टमाटर, साथ में बैठे आलू मटर, आलू मटर, आलू मटर, साथ साथ क्यों बैठे थे? क्योंकि आलू मटर की सब्जी बनती है। कटहल की गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, चलिए दोबारा बोलते हैं। कटहल की गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर बैठ गए अब बैंगन राजा, बैंगन राजा, बैंगन राजा, बैंगन राजा क्यों बैठे हैं अभी गाड़ी पर? बरात उनकी थी। मूली और अरबी ने मिलकर, अरबी ने मिलकर खूब बजाया ढम ढम बाजा, ढम ढम बाजा, ढम ढम बाजा। यहाँ जो शब्द आया कटहल, क्लास में क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके परिवेश के बच्चे, जैसा कि प्रथम समूह जो हमें मिला था फर्स्ट बैच, उसमें कुछ लोगों ने एक बात उठाई थी कि साहब हमारे ग्रामीण परिवेश के बालक कटहल नहीं जानते। सही बात, ये ऐसा है। अब आप कटहल को जोड़ने के लिए नहीं है ऐसा? जानते हैं, जानते हैं। शहरी जो क्षेत्र है या जहाँ, वैसे तो मैं समझता हूँ कटहल सभी इलाकों में बिकता है, लेकिन बच्चे उन चीजों को ज्यादा जानते हैं जो उनके खेतों में, गांव में, पेड़ों पर जो पैदावार हो रही है। हो सकता है कटहल का वृक्ष आपके हरियाणा में नहीं पैदा होता, चेंज भी करने की कोशिश करी थी लेकिन बना नहीं। मेरा सभी साथियों से एक आग्रह है कि कटहल की जो ध्वनि है, इसी ध्वनि से संबंधित शब्द अब आप मुझे बताएं। जैसे कटहल, चार वर्ण प्रयोग हो रहे हैं, कोई मात्रा नहीं है। अब ऐसे ही शब्द आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नोट करता चलूंगा। कोई भी शब्द हो, सब्जी भी हो और सब्जी से बाहर भी हो, जिसे बच्चा बोल सकता है आपके। हलचल बोल सकता है बड़े प्यार से, वेरी गुड। परमल बोल देगा, झटपट बोल देगा। मैं चाहता हूँ अंतिम वर्ण ल हो। धलमल नहीं होता, ढुलमुल होता, खटमल। ये गांव का बालक बोलेगा खटमल, बोलेगा पलपल, बोलेगा चंचल नहीं बनता, चलचल हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो समतल बोलेगा, ठीक है। मान लीजिए बच्चे ने नहीं बोला तो अध्यापक यहाँ काम करा सकता है ना, करतल बोल देगा बच्चा, बोलेगा कि नहीं? पहली क्लास का नहीं बोलेगा। तो यहाँ बच्चा जो बोल रहा है, मान लीजिए एक शब्द तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे बोल देंगे जो गांव से जुड़े होंगे, दलदल। हलचल भी बोल देंगे, दलदल भी बोल देंगे, समतल भी नहीं बोलेगा। वहां अध्यापक बताएगा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे हाथ फिरा के, या जहाँ वो बैठा है, अगर नीचे विद्यालय का फर्श बना हुआ है तो उसे भी आप दिखा के कह देंगे कि ये समतल है, क्योंकि हमें नए शब्दों का भी बच्चों को ज्ञान कराना है। अच्छा पूछ लेगा, आलू मटर के बारे में तो बच्चे सब जानते ही हैं, यहाँ आपसे बच्चा नहीं पूछेगा बहुत ज्यादा। हाँ, चूंकि गांव के बच्चे अधिकतम हमारे पास होंगे तो वो ये भी जानते हैं आलू कहाँ लगता है, कहाँ पैदा होता है, मटर उनके खेतों में हो रही होती है, वो उसे भी जानते हैं। मूली और अरबी के बारे में, अरबी थोड़ा सा लगा कि यहाँ बच्चा नहीं पकड़ पाएगा, और कटहल के मामले में भी कुछ जगहों पर बच्चा हमारा कटहल नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ रंगों से आप जोड़ सकते हैं इसको, किस सब्जी का रंग कैसा है, जैसे कि इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, स्वाद कैसा है। जब हम दीर्घ स्वर पर जाते हैं साथियों, कविता का एक वाचन का एक ढंग है कि जब दीर्घ स्वर में आप जाएं तो आरोह हो जाना चाहिए, उच्च स्वर जो है ऊंचा हो जाना चाहिए, और जब ह्रस्व में उतरे यानी
धीमे पे आए, नीचे आए तो फिर नीचे हो जाए, जैसे बैं है ना। यहाँ क्या है, हमें बलाघात भी करना है, जोर देना है। पहली क्लास के चैप्टर पर जिसमें बैंगन की बारात, बैंगन की बारात में हमने स्वाद की चर्चा कर ली, रंग की चर्चा कर ली, शब्द कैसे हमारे बीच में आए और वो शब्द कैसे बच्चा सीखेगा इसकी चर्चा कर ली, उसकी लय की हमने बात कर ली। लय कोई मानक लय नहीं होती। देखिए कविता के लिए मैं ये कह दूं जो मैंने पढ़ा है वही मानक है, बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा किस लय से आपसे जुड़ जाता है, आपसे प्रेरणा ले लेता है और जिसको वो गाता हुआ क्लास से बाहर निकलता है वही लय उस बच्चे के लिए मानक है। कविता के वाचन के, कविता के पठन के इतने ढंग हैं कि वो सब मानक है। हाँ, गद्यात्मक मत हो जाओ। और एक बात का विनम्र आग्रह मेरा है आप सब साथियों से, वो ये कि जहां अर्ध विराम है, अल्प विराम है, वहां अपनी वाणी को, वहां अपने उच्चारण को थोड़ा सा ब्रेक जरूर दें।